हाय फ्रेंड्स, पेंटा सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं आपने बचपन में कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, दादी से, नानी से या फिर अपने किसी रिश्तेदारों से। तो आज हम ऐसी एक रोचक कहानी के बारे में बात करते हैं और जिस कहानी का नाम है चिड़ियों की बरसात। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा बचपन में, कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं, जो अक्सर भारी और तेज बरसात के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यह और बात है कि ऐसे सैकड़ों प्रमाणित केस हैं कि जब आकाश से सैकड़ों मृत चिड़िया की बरसात हुई। सन 1846 में फ्रांस के कुछ भागों में एक अनहोनी घटना घटी। घटना के दिन फ्रांस के कई भागों में आकाश से मृत एवं मरणासन्न हालत में सैकड़ों चिड़िया टपकी। हाँ, उस दिन बारिश भी हो रही थी, परंतु बरसने वाले पानी का रंग आश्चर्यजनक रूप से लाल था। लियोनस और ग्रेनोबल के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में नाकामयाब रहे कि चिड़िया क्या कारण था जिसने उन सैकड़ों चिड़ियों की जान ले ली और क्यों वे आकाश में इस तरह से टपकी। वे इस बात का पता लगाने में भी नाकामयाब रहे कि बारिश का पानी लाल क्यों था। इस घटना के 30 साल बाद जुलाई 1896 में भी एक ऐसी और घटना घटी। लुसियाना के बेटन रो में सैकड़ों मृत चिड़ियां आकाश से टपकी। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि कुछ चिड़ियों की प्रजातियां ऐसी थी जो उस कथित जगह में पाई ही नहीं जाती थी। 1960 के ग्रीष्म में यह अजीब परंतु सत्य घटना पुनः घटी। इस बार स्थान था कैपिरोला, कैलिफोर्निया। इस घटना को जब पहले पुलिस अधिकारी एंड कनिंघम ने दर्ज किया। घटना रात को 2:30 पर घटी जब एड अपनी गाड़ी में गश्त लगा रहा था। अचानक सैकड़ों बड़ी बड़ी मृत चिड़ियां आकाश से एड की गश्ती गाड़ी पर गिरी और गाड़ी से टकराने लगी। एड के अपने शब्दों में वे इतने वेग से नीचे गिर रही थीं कि अगर उनमें से एक भी मुझसे टकरा जाती तो मेरे होश निश्चित उड़ जाने संभव थे, क्योंकि तभी की गाड़ियां जो होती थी वो ओपन होती थी। मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठा रहने से अच्छा है कि कहीं मैं किसी पेड़ के नीचे रुक जाऊं, और मैंने वही किया। आखिरकार एड वहां से 8 किलोमीटर दूर स्थित वेस्ट क्लिफ ड्राइव पहुंचा। परंतु एड ने यहां भी देखा कि समूचा राजमार्ग और समुद्री तट पर मरी चिड़ियां जो थी उससे भरा पड़ा हुआ है। दिन निकलने पर तो स्थिति और भी नाटकीय नजर आई। सैकड़ों चिड़ियों के कंकाल पावर लाइन्स विद्युत तारों पर लटके पड़े थे। कुछ बाड़ों में अटके थे, कुछ झाड़ियों में अटके थे, तो कुछ टीवी के टावरों पर एंटीनों पर लटके हुए थे। जांच अधिकारियों ने इन चिड़ियों की शिनाख्त समुद्री चिड़ियों की एक प्रजाति के रूप में की। इस अजीब घटनाक्रम में कुछ चिड़ियां जमीन से भी भीषण टक्कर झेलकर जीवित रहीं और आखिर उड़ चलीं। परंतु सबसे पहले बात जो जहन में आती है वो यह कि इन चिड़ियों को किस कारण इस जमीन पर इस तरह से गिरना हुआ। आखिर क्या कारण था कि जो है ये चिड़ियां आकाश में गईं और आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरी। इसका कारण धुंध, मौसमी दिशाएं, बीमारी या फिर विष था, क्या कारण था? विशेषज्ञों ने मृत चिड़िया की जांच की तो उनका कहना था कि चिड़ियों के मरने का कारण उनकी जमीन पर भीषण वेग से टकराना था। यानी जब वो आकाश से गिर रही थी तो उनका वेग इतना तेज था कि वो तेजी के साथ वो जमीन से टकराई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परंतु सवाल अपनी जगह खड़ा होता है, आखिरकार क्यों इन चिड़ियों ने अचानक ही उड़ना छोड़ दिया और आकाश से बरसात की तरह धरती पर टपकना शुरू कर दिया। यह एक रहस्य आज भी उतना अनसुलझा है जितना कि तब था। मेरे जहन में एक बात आती है कि आपने टोर्नेडो का नाम सुना होगा। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं जब जो है आकाश से कुछ भी बरसने लगता है। कई जगह ऐसा हुआ कि मछलियां भी गिरने लगी। तो होता यह है कि जब वो टोर्नेडो समुद्र से जो पानी होता है वो आकाश में जब जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे टोर्नेडो भंवर के रूप में सर्कल घूम घूम के पानी को समुद्र से ऊपर उठाते हुए दिखता हुआ वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। उस सिचुएशन के दौरान उस टोर्नेडो के आसपास जो भी चीजें होती हैं ये सभी क्या होता है, उसी टोर्नेडो के द्वारा ये ऊपर चली जाती हैं आसमान में, और जहां पर बादल होते हैं, बरसात के बादल होते हैं, वहां इनकी लेयर बन जाती है और उसी बादल, उसी बर्फ, उसी पानी के सहारे, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि ओले भी पड़ते हैं। ओले कैसे पड़ते हैं यह हम अभी कोई नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि आखिर ऊपर तो हमारा आसमान है फिर ओले क्यों गिरने लगते हैं, क्या कारण है, उस पर तो हम बात भी करेंगे, साइंटिफिक व्यू में बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस विषय पे बात करते हैं। तो
मौसम जब बदलता है तो चिड़िया का क्या होता है कि चिड़िया अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। हो सकता है वो समुद्र को क्रॉस कर रही हो और वहां पर टोर्नेडो का एक भंवर टाइप का जो थंडर स्ट्रॉम आता है जिसे कहते हैं चक्रवात, ये आ रहा हो और ये अचानक से चक्रवात के लपेटे में सारी चिड़िया आ जाएं, तो उसी झोंके में ये ऊपर चली जाती हैं और फिर वो बरसात की हवा के सहारे जाके किसी शहर पे या कोई ऐसी जगह पे वो गिरने लगती हैं। तो इसे लोग क्या बोलते हैं कि एक आश्चर्यचकित घटना मान लेते हैं, ये है भी ठीक है। ऐसे करके आपको बता दें कि ऐसा मछलियों के साथ भी होता है। आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में कि समुद्र में छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो अपने एक ग्रुप में चलती हैं और वहां पे 1, 2, 4, 10 मछलियां नहीं होती हैं, लाखों की संख्या में वो मछलियां होती हैं। उस सिचुएशन के दौरान अगर समुद्र में कोई ऐसा टोर्नेडो या चक्रवात बनता है तो वो क्या होती है, वो मछलियों का पूरा झुंड उसी टोर्नेडो के सहारे ऊपर उठता हुआ चला जाता है, वो आसमान में चला जाता है। फिर वो यहाँ पर, क्योंकि आसमान में जो ऊपर जाएगा तो वहां पर इतना मौसम कूल होता है यानी टेम्परेचर डाउन होता है कि वहां पर ये बर्फ टाइप में जम जाती है। एक जो बादल होते हैं वो एकदम बर्फ टाइप के जम जाते हैं, ठीक है। उसी के सहारे क्या, वहां पर एक हवा भी बहुत तेज चलती है, तो उसी के सहारे वो बर्फ के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। और फिर उसके बाद जब वहां पर मौसम जलवायु परिवर्तन होता है तो मौसम थोड़ा गर्मी पकड़ता है तो जाके बरसात होने लगती है, उसी बरसात के सहारे वो सारी मछलियां जो है जमीन पर आके टपक पड़ती हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कोई और टॉपिक लेके आएंगे, कोई और रोचक कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद।